नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। इसराइल के सदर इसहाक हरजोग ने पाकिस्तानी वफद से होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी। आलमी इक्तसादी फोरम में बातचीत करते हुए इसराइली सदर ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते उनसे दो वफूद ने मुलाकात की, जिनमें अमरीका में मुकीम दो पाकिस्तानी भी शामिल थे। इसराइली सदर का कहना था कि पाकिस्तानी वफद से उनकी मुलाकात बेहद खुश आइंद रही। ईरान की मुसल्ला अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन तैयारों की खुफिया बेस की रुनुमाई की है। ज़ेरे ज़मीन बेस में 100 से ज़ायद ड्रोन्स मौजूद हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान के सरकारी टेलीविजन ने हफ्ते के रोज मुल्क के मगरिब में ज़रगोस पहाड़ी सिलसिले में ज़ेरे ज़मीन ड्रोन बेस फोटेज नशर की। ईरानी मुसल्ला अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने साइट को स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स के लिए एक महफूज ऑपरेशनल बेस करार दिया है। आज़मीन हज को हुजाज में मुकद्दस पहुंचाने के लिए कबल हज फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल ताहाल जारी नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई से शुरू होना था, जो ताहाल जारी नहीं हो सका। ज़राए का बताना है कि वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक पॉलिसी ताहाल जारी नहीं हुई, जिसके बाइस फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी नहीं हो सका।